हरियाणा की राजनीति के वरिष्ठ नेता और इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता कहेंगे, अभी एलनाबाद से विधायक हैं अभय सिंह चौटाला जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अभय सिंह जी, पूरा जो विधानसभा चुनाव है पूरे अब चरम पर है, लगातार प्रचार आप भी कर रहे हैं, सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं, कैसा लग रहा है अब की बार? सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे। अब की बार तिरकुश विधानसभा आएगी और ये मान के चलो ना बीजेपी सत्ता में आ सकती ना कांग्रेस। भाजपा के 10 साल से रोज लोग परेशान हैं, भाजपा को सत्ता से बाहर देखना चाहते हैं। कांग्रेस में गुटबाजी बहुत बड़ी है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 16 उम्मीदवार थे कांग्रेस के, एक को टिकट मिली है, जो टिकट लेके है उसी ने 15 को नाराज कर रखे, खुद नहीं। तो फिर जब इतनी बड़ी गुटबाजी होगी तो कांग्रेस कहाँ सरवाइव करेगी? हुड्डा ने रुड्डा के बेटे ने हर हल्के में 20-20 30-30 कैंडिडेट बना दिए थे, फिर शैलजा जी ने बनाए, रणदीप सुरजेवाला ने बनाए, इन सब के अपने अपने पॉकेट्स हैं, सब एक दूसरे की टांग खींचे हैं। हमारा और बहुजन समाज पार्टी का, श्रोमणी अकाली दल का जो गठबंधन है, तो वो गोपाल भी उसमें शामिल है, ये सारे मिलकर के जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी ताकत बहुत बड़ी है, बहुत बढ़ेगी। और आज की तारीख में 20 से 25 सीटें ऐसी है जिन पे हमारे उम्मीदवार बहुत आगे हैं। सिरसा जिला की 500 सीट हम जीत रहे हैं। कोई राजनीतिक दल ये नहीं कह सकता कि हम इस जिले की 5 सीट या 4 सीट जीत रहे हैं, 2 सीट जीत रहे हैं, सिर्फ हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं। हमारा कहते तो लोग तो ये चर्चा करते हैं कि भी हमारे हाथ में ये रहेगा कि सत्ता कौन किसकी बने। हम उस पोजीशन में नहीं, हम सत्ता बनाने वाली पोजीशन में आ जाएंगे। अभी चुनाव की शुरुआत है, आज विड्रॉल है, अब चुनाव शुरू होगा। आप देखना 20 तारीख के बाद सारी हवा बदलेगी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लिए आप लोग ये कहना शुरू कर दोगे कि ये गठबंधन बहुत आगे निकल गया। कांग्रेस और भाजपा में जैसे ही टिकटें बटी, नामांकन हुए, बहुत सारे बागी निकल करके सामने आए और एक कहीं ना कहीं मुसीबत दोनों दलों के लिए साबित करते हुए नजर आए। अब कुछ को मना लिया गया है, आज नामांकन वापस करवा दिए गए हैं, कैसे देखते हैं कि वो जो बागी निकल करके आए हैं वही उनके लिए परेशानी का सबब बनेंगे? किसी दबाव में हो सकता है नामांकन वापस हो जाए, लेकिन जो दिल में वो बात नहीं निकल सकती, वो तो ज्यों के त्यों रहेगी। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो इन्होंने बीज बोए उसका भुगतान होगा। लगातार यही कह रहे हैं कि निर्दलीय जो हैं उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रह सकती है और आप लोग भी जिस तरह से कह रहे हैं कि एक तीसरा गठजोड़ कह सकते हैं कि बन गया, क्योंकि कई पार्टियां आपके साथ आ गई हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी अहम भूमिका रहने वाली है। आज के बाद, आज शाम को मेरे कई लोगों से और संपर्क होंगे जिन्होंने इंडिपेंडेंट फार्म भर रखे, जो लगातार मेरे संपर्क में भी है। जहां जीतने वाला इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा, जो कांग्रेस बीजेपी को हराने वाला होगा, वहां अगर मेरा कैंडिडेट खड़ा होगा, बहुजन समाज का खड़ा होगा, तो अगर वो हमारे से आकर के समर्थन मांगेगा, ईमानदारी से वो हमारे साथ रहेगा, तो हम उसको जिताने के लिए विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो जीतने वाली स्थिति में है। आज शाम को सारी पिक्चर क्लियर होगी और जब उन लोगों का और हमारा सहयोग आपस में और हो जाएगा, तो जो संख्या मैं कह रहा हूँ 20 से 25 आज हमारी, वो रात रात में 30 पार कर जाएगी। आज एक घटनाक्रम हुआ सिरसा के अंदर, सिरसा में गोपाल कांडा को बीजेपी ने समर्थन दे दिया और अपना उम्मीदवार वापिस ले लिया, आप कैसे देखते हैं? ये तो बीजेपी की अपनी सोच होगी, लेकिन मेरा गोपाल कांडेकर जो आपस में समझौता हुआ, उस वक्त ये तय हुआ था कि हम भाजपा से अलग चुनाव लड़ेंगे और भाजपा ने अपने 90 विधानसभा क्षेत्र में कैंडिडेट खड़े करे। अब उन्होंने क्यों वापस लिया, कैसे समर्थन दिया, इसके बारे में आप गोपाल से पूछो, वो ज्यादा बढ़िया बताएगा। इंडियन नेशनल मुझे नहीं लगता
कि गोपाल उनसे समर्थन लेगा। उसकी 2:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो उसमें साफ करेगा स्थिति को। बीजेपी तो मैं बता रहा हूं ना, सत्ता से बाहर होगी, कोई रोक ही नहीं सकता। अब तो कांग्रेस वाले एक ही प्रचार में लगे हैं कि भी अगर अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बहुजन समाज पार्टी ज्यादा सीटें जीत गई तो ये बीजेपी से समर्थन ले लेगी, समर्थन दे देगी, ये तो बीजेपी में चले जाएंगे। हमारे से कांग्रेस अछूती नहीं है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है मैं उससे समर्थन नहीं मांगूंगा। अगर हम सरकार बनाने की स्थिति में आए, कांग्रेस के हाईकमांड हमारे से आए मिले, उन्होंने अगर हमारे से चर्चा करी कि हम आपके साथ मिलकर के सरकार बनाना चाहते हैं, हम विचार कर लेंगे। मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो भाजपा का एजेंट है। लगातार बीजेपी को सत्ता में रखने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़े गेम खेले हैं। अब उसको आम आदमी को यह पता लग गया कि कैसे अपने बेटे को राज्यसभा में भेजने के लिए भाजपा से हाथ मिलाया। टिकटों का जो बंटवारा हुआ है, इससे भी साफ नहीं झलक आ रही कि भाजपा के साथ मिलकर के भाजपा को ताकत देना चाहता है। आज भी उसकी सोच ही है कि कांग्रेस के 30 आदमी जीते। ये केवल जिस दिन भाजपा ने, जिस दिन ईडी ने इसके यहां रेड करी, जिस दिन इसका नाम आया 8,34,000 करोड़ रुपए वाले मामले में, ये उसी दिन भाजपा के दरवाजे पे जाकर के खड़ा हो गया और भाजपा से कहा कि जो कहोगे वैसे करूंगा। उन्होंने कहा कि टिकटों का बंटवारा हमारी मर्जी से होगा, उन्हीं की मर्जी से हुआ है। लेकिन लगातार कांग्रेस के नेता कहें या जननायक जनता पार्टी के नेता कहें, वो लगातार आप पर आरोप लगा रहे हैं कि एक मूक समझौता हो गया है भाजपा का, इनेलो का, हलोपा का, बसपा का, सारे मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। जेजेपी वाले बेचारे किस मुंह से बात करते हैं? वो तो अगर ये बात करते हैं तो उनसे ये पूछो, तुम्हारे से बड़े दगेबाज और धोखेबाज कोई और नहीं हो सकता। तुम तो 75 पार वालों को कह रहे थे जमुना पार कर देंगे, तुम उनकी गोद में जाके बैठ गए। अब हालत ऐसी होगी उनकी कि उनका कोई एक भी नहीं जीतेगा। उनका टारगेट हम है ना, और तो कोई टारगेट कर नहीं रहे हो। उनसे ये पूछ लो, अजय सिंह से पूछ लेना, उसके लड़कों से पूछ लेना, रणजीत सिंह के साथ समझौता है उनका, ठीक है जी। और रणजीत सिंह के लड़के का बयान आया कल ही कि हम कांग्रेस की मदद करेंगे इलाहाबाद में, हमारे 10,000 वोट हम भरत सिंह को दिलाएंगे। तो कांग्रेस, रणजीत सिंह, जेजेपी मिल गई, इसका मतलब तो ये मिल गए। तो वो किस, मतलब वो खड़े कहाँ हैं, क्या स्टैंड है उनका? मेरा पहले दिन से एक स्टैंड है कि मैं भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। भाजपा के खिलाफ लड़ाई किसने लड़ी, किसने इस्तीफा दिया विधानसभा से? मुझे भाजपा के साथ जाना होता, अनेक बार मुझे उनकी ऑफर मिली, आओ हम आपको बहुत बड़ा पद देंगे, हम आपको बड़ा सम्मान देंगे, तो मैं जा सकता था। अकेला मैं ऐसा विधायक था जिसने विधानसभा से इस्तीफा दे करके और भाजपा को नकेल डाली, किसान आंदोलन में भाजपा को कमजोर किया। ये तो रोज फोटोएं खिंचाते थे बेचारे, जब मौका है उनकी मदद करने के भाग्य। आज रणजीत सिंह चौटाला से भी हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि परिवार, अगर चौधरी देवीलाल का परिवार एक रहता, लेकिन चौधरी देवीलाल ने ऐसे लोगों के हाथ में पार्टी दे दी जो ना आगे बढ़ा सके और कहीं ना कहीं बिखर करके रह गए, इसी वजह से पूरे परिवार को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। और 70% परिवार तो एक हो गया है लेकिन 30% परिवार अभी भी अलग है। अब मैं ना रणजीत सिंह पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, तेने ये सवाल कर लिया जो बता देता। सबसे पहले रणजीत सिंह चौधरी देवीलाल को छोड़ करके भागा था, सबसे पहले। उस रणजीत सिंह से ये तो पूछो कि तू किस मुंह से ये बात कहता है, तू तो सबसे बड़ा इस पार्टी को कमजोर करने वालों में अगली पंक्ति का नेता था। तेरे को चौधरी देवीलाल ने एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, चौटाला साहब ने मंत्री बनाया, क्यों भागा, किस लिए भागा कांग्रेस में? शुरुआत तो इसकी करी हुई है। चौधरी देवीलाल के नाम पे सबसे बड़ा कलंक अगर कोई है तो ये है, और फिर अजय सिंह है। इन लोगों से पूछो आप क्या कहते हैं इनके बारे में। चौधरी देवीलाल का फोटो लगा के पिछली बारी दाव लगा गए,
अब लोगों को इनकी असलियत का पता लग गया। एक भी नहीं जीतेगा, ना रणजीत सिंह जीते ना ये जीतेगे, सब साफ हो जाएंगे। इनेलो जो है, इनेलो बसपा गठबंधन है, सीटें आती हैं और उसके बाद भाजपा से भी हाथ मिलाया जा सकता है अगर कोई परिस्थितियां इस तरह की उत्पन्न होती हैं कि सरकार बनाने के लिए आपका सहयोग चाहिए तो। मैंने साफ शब्दों में कहा है मुझे कांग्रेस से परहेज नहीं है, मुझे हुड्डा से परहेज है। सरकार मैंने बनानी है, हालात देखूंगा, जैसे हालात होंगे उसके मुताबिक चलूंगा, सरकार का गठन हम करेंगे। अभय सिंह जी कैसे दावा? पहली बात तो अब दो दिन में और एक स्थिति आएगी कि हम 25 से 30 सीट पे भी जा सकते हैं, 35 पे भी जा सकते हैं, हम अकेले भी बहुमत में आ सकते हैं। हमारी लड़ाई इनको सत्ता से बाहर करना और गरीब आदमी की, मजदूर की, किसान की सरकार बनाना है। अभय सिंह जी दावा आप मुख्यमंत्री का कर रहे हैं, हर जनसभा के अंदर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के लिए आपकी बार वोट करना है, लेकिन दावा कहीं बड़ा दावा तो नहीं है क्योंकि एक ही विधायक अभी इनेलो का है और 40 चाहिए। झारखंड में एक विधायक था, मुख्यमंत्री बना था ना, बना था कि नहीं बना था? तो फिर दावा मेरा ही वही है, हम तो 20 से 25 तो आ ही रहे हैं, ये संख्या बढ़ेगी, मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। आप आकर के कहोगे कि आपने वहां ढाणी में बैठ करके जो बात कही थी वो आज सच साबित हो गई। एक लगातार सवाल पूछते हैं, कहीं ना कहीं आपके सहयोगी कह सकते हैं, सहयोगी तो नहीं कहेंगे, अलग हो गए जननायक जनता पार्टी वाले, कि उचाना से आपने कहा था कि मुख्यमंत्री का मैं कैंडिडेट दूंगा और वही मुख्यमंत्री बनेगा, तो उसके बारे में कहीं दिया नहीं आपने वहां से उचाना से कोई ऐसा उम्मीदवार? कौन कहता है नहीं दिया, हमारा कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे वो भी बन सकता है, ये हमारी पार्टी का फैसला होगा। तो वहां मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, तो आपको क्या लग रहा है मजबूती से लड़ रहे हैं? 25 तारीख को चाणा में सबसे बड़ी रैली कर रहे हैं, चौधरी देवीलाल का जन्मदिन मना रहे हैं, उस दिन बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। मायावती जी भी दौरा करेंगे? आएंगी, पांच रैलियां करेगी हरियाणा में। तो अभी कोई आपको वजूद लगता नहीं है कांग्रेस का और बीजेपी का, क्योंकि वो लगातार यही कहते हैं कि आमने सामने की लड़ाई है और तो सब वोट काटू है। हम इनकी रांत काटने वाले हैं, तू वोट काटने की बात करें। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अभय सिंह चौटाला हैं और वही अपने बेबाक अंदाज के अंदर इंटरव्यू देते हुए नजर आए हैं और उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है जो कि जनता जानना चाहती है। कैमरामैन संदीप के साथ अंकित दुधानी, न्यूज 18 एलनाबाद।